वेलकम टू इंडियन किचन क्रेविंग्स। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही क्रिस्पी स्नैक, वो है पापड़ पनीर रोल्स। बहुत ही यमी टेस्टी लगते हैं, बहुत ही आसान सी क्विक रेसिपी है। इसे आप ग्रीन डिप या किसी भी रायते के साथ खा सकते हैं। हम इसे खाएंगे बीटरूट रायते के साथ। बीटरूट रायते की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलिए बनाते हैं पापड़ पनीर रोल्स। पनीर पापड़ रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रेट करके पनीर या कॉटेज चीज लिया है 150 ग्राम्स, और मैंने एक मीडियम आलू को बॉईल करके मैश करके रखा हुआ है। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लेंगे धनिया, कुछ ड्राई फ्रूट्स आपकी पसंद के। मैंने यहाँ पर काजू और किशमिश लिया है। दो हरी मिर्ची काट के रखी हुई है और स्प्रिंग अनियन के ग्रीन्स हम यूज करेंगे। और पनीर पापड़ रोल्स बनाने के लिए पापड़ तो लेना बहुत ही जरूरी है। इस तरह से कच्चा पापड़, जो मूंग की दाल का पापड़ होता है, बाजार में बहुत ही आराम से मिल जाता है, उस कच्चे पापड़ को ही हमने इस तरह से चूरा करके रखा है। इसके लिए हमें एक स्लरी बनाने की भी जरूरत है, जिसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच मैदा। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर पापड़ रोल्स। सबसे पहले एक बड़े बोल में हम ग्रेटेड पनीर डाल देते हैं। उसके बाद हमारा बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, 2 ग्रीन चिली, कुछ चॉप्ड कोरिएंडर, हमारे ड्राई फ्रूट्स किशमिश और काजू, ग्रेटेड जिंजर 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच काली मिर्ची पाउडर। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, हमने ग्रीन चिली भी इसमें यूज की है। 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच से कम भुना हुआ जीरा पाउडर, और 1/4 चम्मच से थोड़ा ज्यादा या अपने स्वादानुसार नमक हम इसमें डालेंगे। अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा हाथ की सहायता से थोड़ा मिक्स हाथ में लेके और हम इसको रोल करेंगे और छोटे छोटे सिलेंडर के फॉर्म में शेप देंगे। इस तरह से हमारे सभी रोल्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके लिए एक स्लरी तैयार करते हैं। ये 2 चम्मच मैदा हमने लिया है या रिफाइंड फ्लावर, इसमें 1/4 चम्मच से थोड़ा कम नमक लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए 2 चम्मच पहले पानी मिला लेते हैं और एक बैटर जैसा रेडी कर लेते हैं। पानी इसमें और मिलाएंगे, धीरे धीरे करके पानी मिलाइए। इस तरह से हमारा बैटर एक रेडी हो गया है। अब हम तैयार किए हुए रोल्स को इसमें डिप करेंगे और एक एक रोल लेके हमारा जो पापड़ का मिक्सचर है उसमें हम कोट कर देंगे। इस तरह से कोट कर लेना है सभी रोल्स को। इसी तरह से रेडी कर लीजिए। इस तरह से हमारे रोल्स कोट हो गए हैं। अब इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, एक एक रोल डालिए। फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते हुए इन्हें फ्राई कीजिए। देखिए कितना अच्छा कलर चेंज होता जा रहा है। पापड़ अच्छे से फ्राई हो गए हैं, लाइट ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करेंगे। ये हमारे रोल्स एकदम अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं। सभी रोल्स को इसी तरह से फ्राई कर लीजिए। इन्हें फ्राई होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, फ्लेम मीडियम ही रखिए। पापड़ अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और पनीर तो वैसे भी कुक्ड ही रहता है। तो फ्रेंड्स,
रेडी है हमारे पापड़ पनीर रोल्स। बहुत ही यमी, क्रिस्पी, टेस्टी लग रहे हैं। बहुत जल्दी से ही रेसिपी तैयार हो गई है। आप एज अ इवनिंग स्नैक, एज अ पार्टी स्टार्टर इसे रख सकते हैं। बच्चे बड़े सभी बहुत ही पसंद करेंगे। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कुक विद द बेस्ट।